हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं रेल पहिया कारखाना बेला, जो हमारे हिंदुस्तान के दो बड़े कारखाने हैं। एक हमारे छपरा ज़िला के बेला गांव में पड़ता है, शीतलपुर के करीब, छोटा सा गांव बेला में। तो चलिए हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखलाते हैं। तो देखिए, आपके सामने आ गया है रेल पहिया कारखाना का सबसे पहला गेट, जो इस पर लिखा है रेल पहिया कारखाना बेला। तो चलिए आइए अंदर, हम आप लोगों को ले चलते हैं दिखलाने के लिए। तो आप सामने देख रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा पार्क है। और देखिए, ये जो बसें लगी है, इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए ये बसें लगी है। ये सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जो इस कारखाने में काम करते हैं, जो भी ड्यूटी करने आते हैं इस रेल पहिया कारखाने में, इस बस में आते हैं, ले जाते हैं। और जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें प्रवेश किया जाता है। और आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े इमारतें हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, कारखाने हैं, मशीनें हैं। और देखिए, हम आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ पे, देखिए कितने बड़े बड़े चक्के रखे हैं इसके अंदर, इतने ज़्यादा चक्के हैं कि क्या बताएं। या आपको देख रहे हैं कि कितने चक्के रखे हैं। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। तो चलिए, हम अब आ चुके हैं कारखाने के अंदर, जहाँ पे रेल पहिया कारखाना, जहाँ पे अंदर चक्के को ढाला जाता है। आइए तो हम आपको दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये चक्के बन के तैयार हैं और रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा चक्के हैं। आप अक्सर में चक्के देखते होंगे जो ट्रेन के डब्बे में लगे होते हैं, लेकिन आपने ऐसा चक्का नहीं देखा होगा जो बन के तैयार है, फिनिश वर्क किया गया हुआ चक्का है। तो देखिए कैसा लगा आपको। और ये चक्के हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और ये हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही रेल पहिए कारखाने हैं, जो एक हमारे बिहार के छपरा ज़िला के छोटे से गांव, छोटे से शहर बेला में पड़ता है। तो देखिए आप चक्के। आइए हम आपको अंदर के नज़ारे कुछ और दिखलाते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर कहीं लकड़ी आपको नहीं दिखेगी, ये ऐसे हैं, यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े लोहे, ये सब अंदर के कारखाने के मशीनें हैं, जहाँ पे चक्के बनते हैं, जहाँ पे चक्के ढाले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो चक्के मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जो अच्छे से नहीं ढाल पाते हैं, वो सब रिजेक्ट चक्के हैं, यहाँ पे रखे गए हैं भाई, आप देख सकते हैं। और देखिए ये कितने बड़े बड़े चक्के, कितने बड़े बड़े मशीनें रखी है, जहाँ पे चक्के बनते हैं ढालने के लिए। ये सब यहाँ पे लोग कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहे गलते हैं, लोहे गल के अंदर से चले जाते हैं, उसको मशीन ले जाती है दूसरे सांचे में ढालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे लोहा गलाया जाता है। देखिए कि आप यहाँ पे जो लोहे गले होते हैं, यहाँ पे गाड़ी आके वहाँ से ले जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े टीले बने हैं, नीचे गाड़ी लगा। और यहाँ पे ट्रक आती है और जो रिजेक्ट लोहे होते हैं उसे कचरे के डब्बे में ले जाती है, डालती है। देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए ये कितने बड़े मशीन हैं। तू कितने काम कर रहा? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी छुट्टी का संडे है और यहाँ पे कोई कर्मचारी आज काम करने नहीं आए हैं, तो सोचे हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियो एक बना देते हैं। तो आइए देखिए, ये बड़े बड़े लोहे, बड़े बड़े मशीनें, आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक मशीनें हैं यहाँ पे। ये क्रेन है जो इसकी मदद से लोहे में कुछ डाला जाता है, कुछ पदार्थ ऐसा है जो डाला जाता है। तो देखिए बड़ी मशीनें, बाप रे कितनी बड़ी मशीनें, देखिए अपनी आंखों से। बहुत, ये जो पहिया कारखाना है ना, बहुत बड़ी कारखाना है, बहुत दूर में है, इससे आदमी चाहे कि एक दिन में घूम ले तो नहीं घूम सकता। देखिए ये मशीनें सब रखी गई हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं लकड़ी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ लोहा ही लोहा। देखिए ये मशीनें कितनी बड़ी है,
तभी तो कोई नहीं खेल, तो कोई दीदी दादा नहीं खेल, तो काम होता तो सब पूरा अंदर कंट्रोल रूम है जहाँ पे हर चीज कंट्रोल किया जाता है। और देखिए ये देखिए कितनी बड़ी मशीन, ऊपर तो ये मतलब ऊपर तो चलने के लिए, लेकिन काम नीचे होता है ना, नीचे मतलब नीचे इसके अंदर अंडरग्राउंड है, नीचे सब मशीन है काम करने किया जाता है। अब देख सकते हैं ये सांचा है, इसमें गर्म लोहे को गर्म किया जाता है। और ऊपर से देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन यहाँ पे रखी गई है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी दिखलाएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनें रखी गई हैं, इसके नीचे सब लोग काम करते हैं। और ये कारखाने देखिए ऊपर में कितने लोहे लगे हैं, कारखाने लोहे से अक्सर बने होते हैं। देखिए हमारे जहाँ पे हमारे एक कर्मचारी काम, शायद एक कर्मचारी ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सांचे रखे गए हैं। और ये छोटा ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पानी गिरता है, यहाँ पे लोहे गर्म करने के लिए क्रेन से कुछ डाला जाता है शायद। तो आप देखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए ये सब मशीनें, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़े बड़े लोहे की मशीनें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि मशीनें इसके नीचे, देखिए यहाँ पे नीचे लोहे को गर्म किया जाता है, उसका सांचा रखा गया है। और ये पाइप है जिसके द्वारा सब केमिकल्स आते हैं। तो देखिए ये सब बड़े बड़े मशीनें, आप देख सकते हैं कितनी दूर में ये कारखाने हैं, बहुत बड़ी कारखाने हैं। ये रेल पहिया कारखाना, हमारे हिंदुस्तान के दो रेल पहिया कारखाने हैं। अब देख सकते हैं ये सब मशीनें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप लोगों को चक्के दिखलाते हैं हम। तो देखिए ये सब सामान सब आया है, सब रखा गया है। और देखिए यहाँ पानी है, और ये जो चक्के बन के रेडी हैं, तैयार है, यहाँ पे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तादाद में चक्के, कई हज़ार चक्के यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं अपने घर, आईटीबीपी को जब नहीं लगाना सही। तो देखिए हम आप निकल रहे हैं, और ये ऑफिस है, ये रेल पहिया कारखाने के ऑफिस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद हम आप लोगों को ले चलते हैं रेल पहिया कारखाना, कर्मचारी जो काम करते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनकी कॉलोनी कहाँ पर है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं रेल पहिए कारखाने के रहने वाले लोग, जहाँ पे जो बड़े बड़े दूर से जो दूर से काम करने के लिए आते हैं, और वो रहते हैं कहाँ हैं। तो चलिए हम इस कारखाने से निकल के आपको उन लोगों के रहने वाली जगह पे ले चलते हैं, और आपको दिखलाते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे खड़े हैं, किस तरह लोग रहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग मेन गेट के पास आ गए हैं, और हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए लिखा है धन्यवाद पुनः पधारे। तो चलिए हम आप लोग के बाद इसके बाद हम कॉलोनी में ले चलते हैं, जहाँ पे देखिए तो हम लोग जा रहे हैं। ये कारखाने के इमारत के कारखाने के मतलब घेरा हुआ है सब, देखिए छोटा सा मैंने कहा दुकान देखिए हम लोग रेल, लेकिन अगर आप देख मिली नू तो चलिए दिखलाते हैं हम यहाँ के रहने वाले लोगों का घर। देखिए ये जो घेरा हुआ कितनी दूर में घेरा हुआ है, देख रहे हैं कि इसका जो घेरे का जो मतलब पाँची है, क्या बोलते पाँची है ना। देखिए रेल खुल जगह था ना बेला,
इसके कई सारे गेट है यहाँ पे। देखिए पटरी है जहाँ पे ट्रेन के डब्बे ट्रेन के लोड करती है, ये उसके रास्ते हैं। और हम लोग कॉलोनी में अब एंट्री करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए वीडियो। देखिए हम लोग अब एंट्री कर गए हैं जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं और उनकी फैमिली लोग कहाँ रहते हैं, उनकी रहने का जगह कैसा है, काम बैंक जो काम करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मार्केट बनाया गया है जहाँ पर देख सकते हैं कि SBI बैंक भी है। जहाँ तो दुकान नहीं खोल सकते ना, खुश गए कपड़ा दुकान खोल दही में। अरे हम नहीं थे कुछ अभी, मतलब घर तैयार हुए हैं और कुछ अभी बन रहे हैं। देखिए अगर रूम मिली ना तो दुकान खोले खाती है, बड़े बड़े खड़े लोग देखिए कपड़ा कोई खोल दिखा दिखा कपड़ा हम नहीं चला दे। जो कर्मचारी जो काम करते हैं ना उनके लिए देखिए खड़ा मामला निकलाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये कॉलोनी है कितने बड़ी दूर में है, कितने दूर में है। और यहाँ पे छोटे छोटे बने हैं ना, इसमें लोग अगर सिंगल रहते हैं, अगर अपनी फैमिली को नहीं लाए हैं तो वो लोग इसमें काम करते हैं और रहते हैं इसमें। और जो लोग अपनी फैमिली को लेके आए हैं वो इस सब इमारती में रहते हैं।